देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मथुरा में जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में आसपास के किसान अपने अपने ट्रैक्टर को लेकर मुख्यालय पहुंचे, जहां रोड के किनारे दोनों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देने लगे। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को चालू करने के लिए पहले से ही व्यापक इंतजाम किए थे। प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रभारी मध्य प्रदेश भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता गजेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि किसानों की निम्न समस्याएं लगातार बनी हुई है। किसान अपनी निम्न मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करता रहा, परंतु सरकार के द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। फिर भी एक बार प्रशासन को याद दिलाने के लिए किसानों ने इकट्ठा होकर ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा मार्च किया है, जो कि कलेक्टर परिसर होते हुए डीएम कार्यालय पहुंचा, जहां पुलिस प्रशासन ने किसानों को गेट बंद कर रोक दिया। किसानों ने गेट पर ही बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। जानकारी पर एसडीएम मथुरा ने किसानों का ज्ञापन लिया और कहा कि किसानों की समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। यूपी क्राइम न्यूज के लिए मथुरा से मुख्य संपादक मनोज सिरोही की खास रिपोर्ट। गजेंद्र सिंह परियार, भारतीय किसान प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश। देखो, समस्या बहुत सारी ज्ञापन के माध्यम से पहले भी हम लिख करके दे चुके हैं। सरकार ने, जब सरकार सत्ता में नहीं थी, तो स्वामीनाथन आयोग की, खुद ये बीजेपी की सरकार वकालत करती थी। सत्ता में आने के बाद आज ये भूल चुके हैं। उसी चीज को याद दिलाने के लिए किसान फिर ज्ञापन के माध्यम से, इनको धरना के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से ये बार बार याद दिलाने का काम कर रहा है कि सप्ताह में जब आप नहीं थे, तब किसान के साथ बैठ करके आप किसान की सिफारिश करते थे कि स्वामीनाथन आयोग की हम सिफारिश करते हैं, और सप्ताह में आए तो हम जरूर इसका, मतलब एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे। अब क्या ऐसा हो गया कि आपको 10 वर्ष लगभग सप्ताह में हो गए, आज तक तुम किसान की सुन नहीं रहे हो। 13 महीने किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा रहा, आपने 13 महीने के बाद किसान की थोड़ी से नाम लिया कि आपने देश के किसान को अपने देश का किसान माना और ये कहा कि बहुत जल्दी हम एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे। ये कहने के बाद फिर भी काफ़ी समय निकल गया, अभी तक किसान की धरातल पे कोई भी आपने कहीं भी मदद नहीं की है। मदद न होने के कारण बार बार पूरे देश में जिला अधिकारियों के माध्यम से, ये ज्ञापनों के माध्यम से, ये सरकार तक संदेश देने का काम, मीडिया के माध्यम से संदेश देने का काम जो आज देश का किसान कर रहा है 9 अगस्त 2024 में। देखो, आगे की रणनीति के लिए संयुक्त मोर्चा आदरणीय टिकैत साहब का जो हमें आदेश होगा, उनके आदेश पे देश का किसान और मजदूर काम करेगा। हमने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है, एक बहन आई थी जो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने नियुक्त करके भेजी थी, और वो उन्होंने कहा है कि आपकी जो ऊपर स्तरीय है वो हम ज्ञापन को ऊपर भेज देंगे सरकार स्तर के लिए। और देखो, उनके साथ में छलावा हुआ है। जो बहन हमारी देश में कुश्ती में कभी पराजित नहीं हुई, देश की राजनीति ने उसको पराजित किया है। बड़ा निंदनीय काम है हमारे देश के नेताओं के लिए, हम तो कहेंगे बड़ा निंदनीय कार्य है।